Hey guys, welcome back to my channel. I'm a boy. So guys, this vlog is a little bit different from other vlogs because it has dubbing bahut sari. Kuch parts isme nahi hai, to main aise aapko bataunga ki kya hua tha. And recently mujhe dengue hua tha from last 10 days. Uske baad abhi main bilkul to nahi hu, but bahut fark hai. So abhi kafi acha hai, better hai. And ye kahani start hui thi dashehra ke baad mein. तो हम लास्ट नाइट सूप पी के आए थे एंड देन उसके बाद मेरे स्टमक में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी. लाइक मेरे से चला नहीं जा रहा था, स्टमक में इशू आ गया था, दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा एंड लेग्स क्या कांप रही थी. सो तब भी मैंने मतलब अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, मुझे लगा नॉर्मल है. बट अगले दिन सुबह सुबह 8 बजे जब बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, फिर मैंने कॉल की अपने पेरेंट्स को. देन उसके बाद हम गए हॉस्पिटल. देन उसके बाद की आप फुटेज अभी देख ही सकते हैं. सो गाइस, अभी मेरे ड्रिप लग चुकी है एंड सभी आने शुरू हो चुके. केशव आया है, मुखिया आया है, भैया आए हैं. सो अभी बस यही सारे मेरा ख्याल रख रहे हैं. हौली हौली करके और भी बंदे आएंगे, बट मेरी हालत सच्ची में ख़राब है. एंड शैम्पी और शिब्बी भी आ चुकी हैं, सारे आ चुके हैं मतलब एक एक बार. तो बोलते कि बाद में आएंगे, बाकी के चले गए घर बेसर. सो अभी ड्रिप लगी हुई है, अभी तो फ़र्क है काफ़ी. पहले बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, सीरियसली बहुत फर्क है अभी. सो देखते हैं अभी छुट्टी कब होती है. अभी तो ये ग्लूकोज खत्म ही नहीं हो रहा, इतना सारा पड़ा अभी. पता नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, आज पहली बार हुआ है जो हुआ जिंदगी में. इतना डर रहा था, मैं सबसे पूछ रहा था ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा. मैंने आपको बोला था कि मेरा ज़्यादा काम बढ़ गया, तभी व्लॉग्स वगैरह कुछ नहीं आ रहे थे. और सीरियसली इतना ज़्यादा हो गया, ये पहली बार मेरे साथ हुआ. मैं इतना रोया आज, तब तो व्लॉग नहीं किया. अभी थोड़ी हिम्मत आई थी तब मैंने वीडियो बनाई. सो अभी इन्होंने चलो आके मूड सा सेट किया. सो अभी देखते हैं कब छुट्टी होती है. क्या होता है, मुँह फूक रहा है बार बार, कुछ खा भी नहीं सकता ना, ग्लूकोज लगा हुआ है. सो देखते हैं, आपको बताएंगे साथ साथ में. सो गाइस, अभी मम्मा देव मासी सारे आ चुके हैं नहा धो के, रेडियो के एंड चाचू लेके आए हैं मेरे लिए नारियल पानी. अभी तक हम सभी चिल थे कि चलो छुट्टी हो जाएगी शाम तक, इट्स ओके, कि ज़्यादा कुछ नहीं है. लेकिन हमें बीमारी का पता ही नहीं था कि हुआ है क्या. अभी भी लाइक मैं सीरियसली ले ही नहीं रहा था, बस हंस रहे थे, बैठ रहे थे, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था पेट में सिर्फ इसीलिए. बट जैसे जैसे शाम बढ़ती गई वैसे वैसे काम बढ़ता गया, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था. बट चलो कोई बात नहीं, जैसा भी था अभी आप देखो आगे आगे होता क्या. सो गाइस, मेरी हो रही है सेवा. बोलते कि नारियल पानी हाथ में नहीं पकड़ना बिकॉज ड्रिप वगैरह लगी हुई है. फ़ोन भी नहीं पकड़ने दे रहे थे बार बार, मैं चेंज कर रहा था. सो मतलब प्रेशर पड़ता है तो ये बोले कि हम पकड़ लेंगे. सो मेरा इतना ख्याल रख रहे सच्ची में, इतना पैम्पर मुझे आज तक नहीं हुआ और ना मुझे पसंद है ऐसा कुछ करे कोई. बट फिर भी चलो. सो अभी हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए. सो लेट्स गो गाइस. दिस वाज माय फर्स्ट टाइम ऑफ माय सारे टेस्ट मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुए. अल्ट्रासाउंड, MRI, पता नहीं क्या कुछ हुआ आगे आगे, सारा कुछ मेरा फर्स्ट टाइम था. सीरियसली फर्स्ट टाइम मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हूँ जिंदगी में, फर्स्ट टाइम. सो बस इट वाज वेरी 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 हार्ड टाइम फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली, ऊपर से फेस्टिवल्स. बट चलो कोई बात नहीं, जैसा भी था 10 दिन में मैं हिम्मत करके खड़ा हो गया था. अभी भी मैं वॉक इतना गंदा कर रहा हूँ लेकिन बस हो रहा है जो हो रहा है. अभी देखते रहो आप. अभी हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, ये पेट चेक हो रहा है. सो गाइज, राइट नाउ अभी तक भी आई एम वेरी चिल. हंसी मजाक में हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए. आराम से मैं हंस के बैठ रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम मेरी आगे जाके और बढ़ने वाली है. अभी तो चलो हम जैसे भी जा रहे हैं बट आगे जाके ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी थी गाइज. सो गाइज, हम अल्ट्रासाउंड करवा के आ चुके हैं अभी दोबारा हॉस्पिटल में. चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस. बस अभी एक और ग्लूकोज लगा, ये रहा ये देखो. सो बस अभी ये लास्ट चेक कर रहे हैं, छुट्टी नहीं तो फिर देखेंगे कि ये क्या करना है. सो बस लेटा पड़ा हूँ मैं अभी 2 घंटे. बहुत मुश्किल है यार लेटना सच्ची में. अभी तो सिर्फ 4-5 घंटे ही हुए थे गाइस यहाँ पर लेटे को. मुझे क्या पता आगे जाके और एक हफ्ता पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट होगा, वो भी ICU में. 1 hour later. सो गाइस, फाइनली छुट्टी हो चुकी है, अभी घर पे हैं. दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया था उसके बाद अभी जस्ट घर पे हैं. नारियल पानी भी लगाऊं फिर से, सारा कुछ ठीक है. स्टोन पत्थरे वत्थरे कुछ नहीं है. ये भी दसना है उन्होंने भी, हाँ यहाँ नहीं रहा ते फिर उन्होंने को दसना तो होर क्या दसना. मैंने पर्सनल लाइफ तेरी कोई है नहीं, पर इस बीच का पर्सनल है कोई पर्सनल नहीं है गाइस, कुछ नहीं होया.
तो जी फाइनली घर पे आ चुके हैं एंड छुट्टी तो मिल चुकी है। बोलते मतलब था कुछ, कहते कि चलो आप घर जाओ, टेस्ट करो, घर जाके रेस्ट करो, आप अगर कुछ ना हो पाया तो फिर से आ जाना। और 24/7 ओपन है, हमारे घर के नज़दीक भी है। बहुत दर्द हो रहा है इनके सामने, मैं वैसे ही ना तो मम्मी भी रोई जा रहे हैं। अंदर से मुझे पता है क्या हो रहा है, बस मैं बार बार हंस रहा हूँ। अंदर से जो मेरी हालत है ना, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ जो आज हुआ है। ये ड्रिप लगी हुई है इतनी बड़ी। इंजेक्शन मैंने आपको बताया था ना ब्लड कैंप में, लास्ट मेरा 12 साल होने लगा था, 5-6 साल हो गए उसको लगे को भी, और आज इतने इंजेक्शन लगे हैं, क्या हद हो गई यार, बहुत इंजेक्शन लगे आज मेरे। अभी आने से पहले भी एक लगा है, क्या करूं मैं तो, इसकी कोई दवाई नहीं है, क्या है ये, पेन बहुत हो रहा है। अभी देखो क्या होता है, अभी बस मैं लिक्विड ही ले रहा हूं, पानी पी लिया, जूस पी लिया, ऐसा कुछ खिचड़ी दलिया, और कुछ नहीं हो पा रहा। ऐसे तो एनर्जी है हाथों में, मतलब फोन भी चलो पकड़ा हुआ अभी मैंने, खड़े होने में हिम्मत नहीं है, लेग्स कहाँ पर ये इतनी ज्यादा, मतलब मैं 2 बार तो गिरने से बच गया रास्ते में भी। अभी मुझे बुखार सा भी लग रहा है, बस अभी देखते हैं कैसे क्या करना है, सो बताते हैं फिर आपको। बहुत हालत खराब है गाइस, तभी नहीं व्लॉग आ पा रहे थे इतने दिनों से, और तो कोई रीजन नहीं। अभी आपने देख ही लिया कि क्या हो गया, मैंने बनाना था व्लॉग बट फिर मैंने सोचा चलो बताना चाहिए अभी हमारी यूट्यूब फैमिली को, अगर इतना कनेक्ट हो पाए हम तो थोड़ा और सही। फर्स्ट जिंदगी में पहली बार मैं एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, जिंदगी मतलब हॉस्पिटल के बेड के ऊपर मैं फर्स्ट टाइम लेटा हूँ, मुझे लगता है जब से मेरा बर्थ हुआ उसके बाद से पहली बार। सीरियसली यार पता नहीं क्या हुआ, बस प्रे करो गाइस आप भी कि मैं ठीक हो जाऊँ। मेरे साथ ही हैं सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई सुबह से मेरे साथ में है जब से मैं हॉस्पिटल में हूँ। सो अभी देखते हैं क्या करना है, मिलते हैं बाद में। सो गाइस अभी मेरे लिए रिफ्रेशमेंट्स आई हैं, बहुत सुंदर 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 तो क्या मतलब टेस्टी जो मैं खा भी सकता हूँ। सो दिस इज वाह चॉकलेट मूज, सो वी लेट्स हैव इट। अच्छा मिल्क में भी है यार, फोकस नहीं हो रहा, हो गया। So let's have it guys. So guys, अभी लेग्स में पेन हो रहा है, मतलब पता नहीं स्वेलिंग आई नहीं लेकिन फील हो रहा है ऐसा, बहुत मतलब अजीब सा, तो मतलब वजन नहीं आ रहा, बाहर नहीं आ रहा तो। गाइज एट दिस मोमेंट मुझे सिम्टम्स स्टार्ट हो चुके थे डेंगू के, जो मुझे प्रॉपर इन्फेक्शन हुई थी बाद में कि लेग्स नहीं चल रही, स्वेलिंग आ रही है, ये वो आगे जाके बहुत काम बढ़ गया था। सो अभी से ही सिम्टम्स आ गए थे लेकिन हमें पता नहीं था, हम रात को 11:30 गए थे हॉस्पिटल। सो अभी अब वो सारा कुछ देखोगे आगे आगे। तो अभी किसी नए डॉक्टर को दिखा रहे हैं कि क्या हुआ है, सो अभी लेट्स गो देयर, देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। यार पता नहीं क्यों इतना काम बढ़ गया। The next day. So guys, good morning. अभी हम जा रहे हैं किसी नए हॉस्पिटल में, घर के पास ही है, रात भी वहीं पर गए थे एंड फर्क था, लेग्स वगैरह काम नहीं कर रही, मतलब खड़ा नहीं हो जा रहा वीकनेस की वजह से, काम पर ही है लेग्स, हैंड्स भी। तो अभी जाते हैं फिर बताते हैं। गाइस एक हॉस्पिटल में मतलब चेकअप करवाने के बाद इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था बिकॉज वो फर्स्ट डे था एंड अगले दिन जैसे कि आपने देखा कि हम जा रहे थे नए हॉस्पिटल में, प्रॉपर हॉस्पिटल में, पहले हम क्लिनिक में ही दिखा रहे थे, वहाँ पर था अंदर रहने के लिए, आपने देखा ही है, बट वहाँ पर बिल्कुल नहीं कंट्रोल हो पा रहा था। सो फिर उसके बाद हम गए हॉस्पिटल में जो पटियाला में है, देन उसके अंदर मैं लाइक पूरा एक हफ्ता एडमिट रहा हूँ संडे टू संडे, एंड उसके बीच में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल ही नहीं चला जा रहा था, मेरा फुल बॉडी डेड हो चुकी थी, मतलब हाफ लाइक मेरे स्टमक तक मैं बिल्कुल बॉडी छोड़ चुका था। मेरे पेरेंट्स ने बाहर से सारे फ्रेंड्स थे उन्होंने उठा के मुझे गाड़ी में फेंका बस, और फटाफट मुझे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पर उन्होंने व्हील चेयर पर डाला और मुझे कुछ नहीं पता चला मेरे साथ कैसे क्या हुआ, कब मैं ICU में पहुँच चुका था। बस मुझे मतलब लाइक मेरे पैर में इतनी ज़्यादा रेडिएशन आ रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, लाइक दूर दूर तक ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास भी ना आए, कोई हवा भी आ रही थी इतनी, लाइक मैं शाउटिंग कर रहा था कि पीछे हो जाओ मेरे से, मैं चीख रहा था हॉस्पिटल में। मेरी हालत ओवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, ड्रिप्स लगी हुई थी दोनों हैंड्स पे, इंजेक्शंस लग रहे हैं, बस लाइक वो टाइम मेरा इतना ज़्यादा ख़राब था कि कभी सोचा नहीं था हमने कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है सच्ची। हमने वैसे किसी को बताया नहीं था कि ऐसा मेरे साथ है, बिकॉज फेस्टिवल से करवा चौथ था जिस दिन मुझे रूम में शिफ्ट किया गया, उस दिन भी करवा चौथ था, उससे पहले मतलब लाइक 3-4 फेस्टिवल तो हमारे बिल्कुल ही ख़राब चले गए, बिल्कुल हॉस्पिटल में गए हमारे। सो मुझे भी थोड़ा फील हो रहा था करवा चौथ वगैरह, मम्मा का जैसे लेडीज़ का त्यौहार है वो बस कैसे गया है हमें पता, हमने देखा मम्मी को। एंड बस अभी होप ये अच्छा हो चुका हूँ मैं, काफ़ी बेटर हुआ। सो
सो अभी आप देखो एक हफ्ता पूरा मैंने व्लॉगिंग कुछ अंदर फोन आईसीयू में अलाउड नहीं था, चार दिन आईसीयू में रहा, तीन दिन में रूम में रहा, उसके बाद जाके मुझे छुट्टी हुई इतनी मुश्किल से। और एक्साइटमेंट अभी आप देखेंगे अगली फुटेज में छुट्टी की कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। नानी आ गए थे, मेरे मासी सारे आ चुके थे, हमने वैसे किसी को नहीं बताया था लेकिन धीरे धीरे बताना पड़ा बिकॉज सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी, बिकॉज मम्मा और पापा ही थे मेरे पास, दादी भी गए हुए थे, सारे गए हुए थे। सो सबको फिर बताया तो सभी मिलने आए रूम में, देन उसके बाद अभी आप देख ही सकते हैं। सो गाइस फाइनली वेलकम बैक। सो आज होनी थी मेरी छुट्टी, 2 बजे से हम ऐसे बैठे हैं, सारा सामान यहाँ पर हमारा पैक पड़ा है यहाँ पर सारा कुछ, सारे रेडी बैठे हैं हम, बस जाने की देरी है, ये छुट्टी नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों इनका मन लग गया मेरे साथ, पता नहीं क्या। सो अभी पता नहीं फाइल्स वगैरह का कुछ चल रहा है, अभी रात होगी ड्यूटीज चेंज होगी बंदों की, तो वो बोल रहे हैं कल सुबह करेंगे, लेकिन हम पक्के ठीक हैं, हम अभी जाएंगे जो मर्जी हो जाए। सो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं, सो अभी देखते हैं अंदर से कहीं से रास्ता बनाएंगे, खुफिया वहां से निकलेंगे, लेकिन आज रात को हम घर जाकर रहेंगे जो मर्जी हो जाए, चाहे 12 बजे क्यों ना जाना पड़े। सो आपको घर जाने के टाइम पे मिलेंगे जब उतरेंगे लिफ्ट से। A few moments later. So guys, अब तो मैंने बोल दिया इतनी एनर्जी में कि हम जाएंगे जो मर्जी हो जाए, ऐसे हो जाए वैसे, हम कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने बोले एक रात और लगा लो, ऐसे ही बोलते कि रिस्क क्यों लेना। सो अभी हम भी रुक गए, सो ये पैकिंग वगैरह हमारा सारा कुछ ऐसे रह गया, अभी खाना खा के हटाऊँ मैं। सो वॉक की है, वो भी खुश हो गए नर्स वगैरह सारे, सो अभी बस वॉक करके आया हूँ, अभी मैं खड़ा ही हूँ लेग्स में, थोड़ा सा जान तो आए भाई साहब। सो अभी तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है, इतने दिनों के कोई व्लॉगिंग नहीं की, उसके बाद पता नहीं कब से शूट, मैंने 5 दिन पहले शूट किया हुआ था जो आपने इससे पहले देखा है, और आज काफ़ी फ़र्क है। सो मैंने कैमरा भी पकड़ा, वैसे हाथ शेक कर रहा है मेरा, बट मैंने सिनेमेटिक पे भी लगाया कि ज़्यादा पता ना चले, एंड बस अभी नाचने का दिल कर रहा है, लेग्स नहीं उठ रही। ओपनली बॉडी मेरी बिल्कुल ओके है, नीचे लेग्स में मसल अटैक हुआ था डेंगू IgG का, सो कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा हो जाएंगे ठीक। अभी यहाँ तक पहुँच गए, थोड़ा और है बस, कल सुबह तक फिर घर चलेंगे। सो बस अभी रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। गाइस मेरे डॉक्टर्स वगैरह सारे बहुत खुश है कि मैंने अच्छा रिकवर कर लिया, मतलब बैठ रहा हूँ मैं खुद ही अकेला ही अभी वॉशरूम, वैसे नानी है बार बार पकड़ते हैं, मैं छोड़ दो मुझे। सो अभी अकेला मैं वॉशरूम जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ। सो स्टाफ इज़ रियली वेरी वेरी नाइस, सीरियसली बिल्कुल फैमिलियर मुझे माहौल मिला है, सीरियसली किसी चीज़ की मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ बोलो, साथ की साथ आपके पास है, बेल लगी हुई है यहाँ पर, साथ के साथ स्टाफ आ जाता है, सीरियसली आउटस्टैंडिंग सर्विस, स्टाफ बहुत अच्छा है। दर्द मेरे मतलब 2 बार ड्रिप्स लग चुकी हैं, बट मुझे इतना नहीं पता चला सीरियसली। सो थैंक यू सो मच जो जो स्टाफ में देखा, उनको भी मैंने वीडियोस दिखाई है अपनी, सो थैंक यू सो मच इतना ख्याल रखने के लिए। बाद में मैं आऊँगा यहाँ पर, चॉकलेट से निकली मैडम ने बोला नीचे डॉक्टर अमृत एंड डॉक्टर दीक्षा, बाकी स्टाफ बहुत सारे मेम्बर्स थे, अभी मुझे सबके तो नेम याद नहीं, पलवीर मैम थे, नर्स सोमराज भैया थे, सूरज भैया थे, अभी हमारा एक जो स्पोर्ट बॉय काइंड ऑफ है जो खाना देते हैं रोहित भैया, सारे बहुत अच्छे हैं, ये मतलब मेन मेजर थे जो मेरे साथ फर्स्ट डे से थे, तो तब इनके नाम याद है, बाकी मुझे इतना कुछ याद नहीं सॉरी। सो बस बैठे अभी देखते हैं कि क्या करना है, फिर आपको कोशिश करेंगे मिलवाने की अगर ड्यूटी पे हुए जब मेरी छुट्टी हुई। सो लेट्स सी। सो अभी बज रहे रात के 10:30 एंड अभी जस्ट मैं मेडिसिन लेके आता हूँ, मतलब दिस वाज माय फर्स्ट डोज जब मैंने मेडिसिन प्रॉपर ली है, मतलब फिजिकली, बाकी तो इंजेक्शन ही जा रहे थे बिकॉज। सो उसके बाद अभी हम पी रहे हैं मिल्क बादाम, दिल कर रहा था, इतने दिन हो गए, फिर पापा पता नहीं आधी रात को कहाँ से अरेंज करके लेके आए इतनी मुश्किल से। सो बस अभी ये इंजॉय कर रहा हूँ, सोच रहे हैं कि कल कैसे क्या होगा, बाकी तो कल सुबह ही पता चलेगा कि क्या होता है, कल का सूरज हमारे लिए क्या बन कर आता है। सो कल सुबह मिलते हैं आपको। गाइज अभी बज रहे रात के 2:15 और अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही, एनर्जी फुल ही बड़ी है, मतलब यही सोच सोच कि कल छुट्टी है घर जाना है मुझे, बट पता नहीं नींद नहीं आ रही मुझे। सो गाइस फाइनली गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे सुबह के 9 एंड अभी बैठा हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका था 8:30 बजे एग्जैक्ट, इनका ब्रेकफास्ट आ जाता है, सो अभी मैं खा रहा हूँ, दिस इज चिल्ला विद चटनी। ये मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी यहाँ पर, स्टार्टिंग में मिली थी, रिपीट नहीं करते, ये हफ्ते बाद रिपीट करते हैं हफ्ता वगैरह, तो आज दोबारा आया ये एंड बस खा रहे हैं लास्ट ब्रेकफास्ट आउट ऑफ हेयर, फिर चलेंगे 1-1.5 घंटे तक छुट्टी मिल जाएगी फाइनली 10-11 बजे तक, फिर आपको सीधा घर जाके मिलेंगे। तो भी ये खा लेते हैं, है तो टेस्टी है ठीक है।
ऐसा लग रहा है बस घर ले जाओ मुझे अभी। कब से मैं इतना बेचैन हो रहा हूँ, इधर उधर चल रहा हूँ। वैसे मम्मी ने मना किया है, पीछे से कहते चलना नहीं, वहीं बैठा रही। अरे वैसे नहीं कंट्रोल हो रहा, अभी मेरा डांस करने का जी कर रहा है। मैंने गाने लगाए हुए हैं ऊंची ऊंची, वैसे बैठे बैठे ऐसे से कर रहा हूँ। अभी डांस करना है, घर जाएंगे आराम से, बेड पे लेटेंगे। हो बस अपना वही वाला बेड, पीछे तकिया। अरे आज मजा आएगा, बस फटाफट घर ले जाओ मुझे। अभी मेरे दाढ़ी करवानी है यार, हेड वॉश करवाना है। मैंने इतना गंदा जानवर लग रहा हूँ मैं। मैंने बोला घर वालों को, कहते तुझे लग रहा है। मैं कहा नहीं ना, वही तो है ना, मुझे लग रहा है। मैं कहा जाते हुए मुझे दुकान पे छोड़ दो, बाकी देखते कैसे क्या करना। पर आज तो मैं दाढ़ी और सिर करवा के रहूँगा भाई, बहुत गंदा लग रहा हूँ मैं। फटाफट अभी चलते हैं, बस गाड़ी में मिलते हैं। मैं कब से बोल रहा हूँ गाड़ी में मिलते हैं, बस अभी आपको सीधा गाड़ी में मिलेंगे। सो गाइस फाइनली रूम से तो बाहर निकले, अभी एक डॉक्टर से आपको मिलाते हैं जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा था। उनकी ड्यूटी है लकीली। सो बाय। हाँ जी फाइनली, मैं क्या सेकंड फ्लोर पे रुको अगर मैं आंधी ड्यूटी हैगी। रोज कुछ ना मिस मैं आए मिलते आए। इधर आओ तो सी व्लॉग चालू। ओ हेलो। सो गाइस इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा सच्ची में। ब्लेस यू, ये बहुत अच्छा बच्चा है। ब्लेस यू, थैंक यू सो मच इतना ख्याल रखने के लिए मेरा इतने दिन। नहीं नहीं यार, यू आर सो स्पेशल टू अस। थैंक यू। और ठीक है अभी? हां जी आपका भी। ओ गाइस फाइनली सड़क तो अभी बस घर चलो फटाफट। थैंक यू सो मच जितने भी स्टाफ ने मेरा ख्याल रखा सीरियसली। अरे थानू कैसे भूल सकते, भैया ने मुझे खाना दिया यार तीनों चारों टाइम ऑन टाइम। सो अभी बस घर चलते हैं, देन मिलते हैं। वैसे फाइनली घर पे आ चुके, वेलकम हो चुके हैं। इतना अच्छा जो है पता ही नहीं था। वैसे फाइनली चॉकलेट खाई इतने टाइम बाद। सो गाइस बाकी की सेलिब्रेशन देखने को मिलेंगी आपको अगले व्लॉग में, एंड बाकी हेल्थ अपडेट मिलेगी आपको अगले व्लॉग में। हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, वो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा मेरे अगले व्लॉग में। टिल देन वेट, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज वर्मा वॉइस, एंड प्रे फॉर मी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय।